सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में कक्षा नौ की जो गणित है उसकी पर्सनल एक पॉइंट चार उसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं हमें तो उनको हम इस वीडियो में सरल करेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है एक नंबर उसमें दिया उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर तीन पॉइंट सात छह पांच को देखिए यानी कि जिस तरह से हम किसी चीज को जूम करके देखते हैं उसी तरह से ये जूमिंग के तरह से हमें इसको दिखाना है इस पे तो कैसे दिखाएंगे देखिए हमारा जो नंबर है वो है तीन पॉइंट सात छह पांच यानी ये तीन से बड़ा नंबर है ये हम जानते हैं क्योंकि तीन पॉइंट सात छह पांच आगे आ गया तो तीन से बड़ा नंबर है तो ये जो नंबर है वो कहां पर होगा तीन और चार के बीच में तो पहले हम क्या करें जो फर्स्ट लाइन होती है उस पर हम एक से नंबर लिखेंगे यहां पर हमने लिख दिया एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस तो इस तरह से हम ये नंबर है वो यहां पर लिखेंगे चलिए उसके बाद में अब जो हमारा जो नंबर है तीन पॉइंट सात छह पांच ये तीन से बड़ा है तो कहां पर आएगा ये आएगा तीन और चार के बीच में इन दोनों संख्याओं के बीच में आएगा ये नंबर तीन और चार के बीच में तो हम तीन को तो यहां पर लिखेंगे और चार को यहां पर लिख लेंगे तो यहां पर हमने लिखा तीन और यहां पर हम लिख लेंगे चार दोनों के आगे पॉइंट जीरो लगा देंगे तीन पॉइंट जीरो इसको लिख देंगे और इसे लिखेंगे चार पॉइंट जीरो इसको तीस माने तो आगे क्या 31 आएगा इकतीस आएगा यहां पर होगा इकतीस बत्तीस तैतीस चौतीस पैंतीस छत्तीस यहां पर आ जाएगा सैतीस और यह आ जाएगा अड़तीस और सॉरी यहां पर आ जाएगा उनचालीस और यहां पर आ जाएगा चालीस तो इन सभी के बीच में पॉइंट लगा देंगे यानी तीन पॉइंट एक तीन पॉइंट दो तीन पॉइंट तीन यहां पर सभी पॉइंट लगा देंगे तो अब जो ये हमारा जो नंबर है वो तीन और चार इन दोनों बीच के बीच की संख्या आ गई है अब हम देखेंगे तीन तो हमने यहां पर देखे तीन पहला से तीन आए तीन पॉइंट सात तीन और चार के बीच में होगा तो अब है तीन पॉइंट सात देखेंगे तीन पॉइंट सात कहां पर होगा तीन तीन पॉइंट जीरो से चार पॉइंट जीरो के बीच में तो ये हो गया तीन पॉइंट चार पांच छ सात यह हो गया तीन पॉइंट सात लेकिन ये तीन पॉइंट सात छ तीन पॉइंट सात और तीन पॉइंट आठ के बीच में होगा तो ये दोनों नंबर हम यहां से ले लेंगे क्योंकि तीन पॉइंट सात होता तो यहां पर आ जाता लेकिन इसके आगे भी छह और पांच है तो इसका मतलब ये तीन पॉइंट सात से आगे का नंबर है तो वो कहां पर होगा तीन पॉइंट सात और तीन पॉइंट आठ के बीच में ये दोनों नंबर को हम यहां पर लिखेंगे तो चलिए देखिए तो इसमें हम यहां पर ये नंबर लिखेंगे पहला यहां पर ये जो नंबर होगा वो होगा तीन पॉइंट सात ये लिख दिया और तीन पॉइंट आठ है उसको हम लिख देंगे यहां पर अब दोनों के आगे जीरो लगा देंगे तीन पॉइंट सत्तर हो गया तीन पॉइंट अस्सी हो गया यह कितना है तीन पॉइंट छिहत्तर पांच को एक बार नहीं गिनना आपको तीन पॉइंट छिहत्तर तीन पॉइंट छिहत्तर कहां पर आएगा तीन पॉइंट सत्तर और तीन पॉइंट अस्सी के बीच में यहां पर क्या आएगा हमारा तीन पॉइंट इकहत्तर तीन पॉइंट तीन पॉइंट तिहत्तर फिर आएगा तीन पॉइंट तर, तीन तर, तीन तर, तीन तर, फिर आएगा तीन तर, उसके बाद में आ जाएगा सी तो इस तरह से हम नंबर लिखते जाएंगे यानी कि आपको है जो तो थोड़ी सी बड़ी लाइन बड़ी रखनी है आपको ताकि नंबर सही तरीके से लिखे जाए तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ हमें देखना है तीन पॉइंट छिहत्तर देखना है तो तीन पॉइंट सत्तर ये है अस्सी इनके बीच में आएगा तीन पॉइंट छिहत्तर लेकिन आगे फिर इसमें पांच पॉइंट छिहत्तर से भी बड़ा है ये तो वो कहां पर आएगा ये होगा तीन पॉइंट छिहत्तर और तीन पॉइंट सतहत्तर इन दोनों के बीच में होगा तीन पॉइंट छिहत्तर और तीन पॉइंट सतहत्तर के बीच में होगा तो आगे एक लाइन और लेंगे हम यहां पर इसमें पहला यहां पर एक नंबर लिख लेंगे तीन पॉइंट छिहत्तर इस पे हम एक जीरो लगा देंगे तो तीन पॉइंट सात सौ साठ हो गया ये कितना है सात सौ पैंसठ है और ये है तीन पॉइंट सतहत्तर तो यहां पर हम लिखते हैं तीन पॉइंट सतहत्तर को और इसके भी आगे एक जीरो लगाया तो सात सौ सत्तर ये सात सौ साठ ये सात सौ सत्तर ये कितना सात सौ पैंसठ तो इनके बीच में हो गया यहां पर हम एक एक नंबर लिखते जाएंगे यहां पर हमने लिखा सात इकसठ लिखना है तीन पॉइंट सात इकसठ तीन पॉइंट सात बासठ तीन पॉइंट सात सौ तिरसठ फिर लिखना है तीन पॉइंट सात सौ सो, सॉरी सात सौ चौसठ तीन पॉइंट सात सौ पैंसठ आ जाएगा फिर आ जाएगा यहां पर सात सौ छियासठ यहां पर आ जाएगा सात सौ सड़सठ फिर आ जाएगा तीन पॉइंट सात सौ अड़सठ इस तरह से सात सौ उनहत्तर और ये हो गया सात सौ सत्तर हमें देखना तीन पॉइंट सात सौ पैंसठ कहां पर आया तीन पॉइंट सात सौ पैंसठ ये नंबर आ गया यहां पर तो इस तरह से आपको ये बनाना है पूरा मतलब हमें ये यहां से स्टार्ट करना है कि तीन से बड़ी संख्या है तो तीन और चार के बीच में फिर तीन और चार को हमने जूम कर दिया ये तीन हो गया यहां पर यहां पर चार तीन और चार को हमने जूमिंग करके लिखा तो उनके बीच वाले नंबर लिख दिए फिर वो नंबर कहां पे आया तीन पॉइंट सात वो आया तीन पॉइंट सात छह है तो तीन पॉइंट छिहत्तर है तीन तो पॉइंट सात और तीन पॉइंट आठ के बीच में आ गया तीन पॉइंट सात और तीन पॉइंट आठ को हमने जूम करके लिख दिया तो उस तरह से हर नंबर जो जिसके भी बीच में उस नंबर को हम जूम करेंगे लास्ट में जो पूरा कंप्लीट मान है वो कहां पर आएगा वो आपको दिखाना है इसमें चलिए इसका दूसरा जो क्वेश्चन उसको हम सरल करेंगे अब देखिए दो नंबर का क्वेश्चन चार दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर चार पॉइंट छब्बीस चार दशमलव स्थानों का मतलब क्या है चार पॉइंट छब्बीस छब्बीस के ऊपर ये लाइन है इसका मतलब छब्बीस क्या है बार बार रिपीट हो रहा है यानी कि ये नंबर जो हमारा मन जाएगा वो हो जाएगा चार पॉइंट छब्बीस फिर हम इसको छब्बीस लिख देंगे क्योंकि छब्बीस के ऊपर ये लाइन है इसका मतलब इसके बाद में भी छब्बीस आएगा फिर भी छब्बीस आएगा आगे भी इस तरह से छब्बीस से वो चलता रहेगा तो हम चार अक्षर तक पॉइंट के बाद में चार अक्षर तक हमने नहीं लिख लिया अब इस नंबर को हमें इस संख्या रेखा पे दिखाना है दर्शाना है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ये चार से बड़ा अंक है तो कहां पर आएगा पहले तो हम एक से लेकर दस तक लिख लेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा एक नंबर फिर यहां पर आ जाएगा दो नंबर यहां पर लिख देंगे तीन चार पांच छ सात आठ नौ और ये हो गया दस अब चार पॉइंट है चार पॉइंट मतलब चार के आगे की संख्या चार से बड़ा अंक है ये तो कहां पर आएगा चार और पांच के बीच में आएगा इन दोनों के बीच में आएगा अब चार और पांच को आपको जूम करके लिखना है तो चलिए हम जूमिंग करके लिखेंगे इस नंबर को एक लाइन और बनाई यहां पर हमने लिखा चार को और यहां पर हम लिखेंगे पांच को यहां पर तो हमने लिख दिया चार यहां पर लिख दिया पांच लेकिन क्या है चार के बाद में पॉइंट है तो यहां पर भी पॉइंट जीरो लिखेंगे और यहां पर पॉइंट जीरो यानी कि इसको चालीस और पचास माने तो हम चालीस के बाद में क्या आता है इकतालीस बयालीस इस तरह से लिखेंगे पचास तक तो इसके बाद में क्या आएगा हमारे पास में इकतालीस फिर आ जाएगा बयालीस फिर आ जाएगा 43 फिर आ जाएगा चौवालीस उसके बाद में आ जाएगा पैंतालीस फिर आ जाएगा छियालीस फिर आ जाएगा सैंतालीस फिर आ जाएगा अड़तालीस फिर आ जाएगा उनचास और फिर पचास हो गया चलिए अब यहां पर पॉइंट लगाएंगे सभी के बीच में पॉइंट आएगा यानी सभी के बीच में पॉइंट होगा तो इस तरह से चार पॉइंट एक चार पॉइंट दो चार पॉइंट थ्री ये है अब हमें यह देखना है कि यहां पर क्या चार पॉइंट दो आ रहा है लेकिन यह संख्या चार पॉइंट दो से भी बड़ी है तो कहां पर आएगी चार पॉइंट दो तो ये होगा लेकिन क्या है चार पॉइंट दो से बड़ी है क्योंकि आगे भी इसके अक्सर है तो आगे भी इनके अंक है इसलिए ये चार पॉइंट दो और चार पॉइंट तीन के बीच में होगी तो हम ये दोनों अक्सर ले लेंगे यहां से इनको अब जूम करके दिखाएंगे तो आगे फिर से हम एक लाइन बनाएंगे अब क्या होगा चार पॉइंट छब्बीस हो गया चार पॉइंट दो तो हम ले लिए लेकिन आगे क्या चार पॉइंट छब्बीस तो चार पॉइंट छब्बीस कहां पर आएगा चार पॉइंट दो और चार पॉइंट तीन के बीच में इनको चार पॉइंट बीस मानेंगे इसको चार पॉइंट तीस मानेंगे तो चार पॉइंट छब्बीस उसके बीच में होगा चलिए यहां पर लिखेंगे हम चार पॉइंट दो और इसके आगे जीरो लगा देंगे चार पॉइंट बीस यहां पर हमें लिखना है चार पॉइंट तीस ये नंबर हो गया अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पर नंबर आगे लिखेंगे चार पॉइंट इक्कीस फिर लिखेंगे चार पॉइंट बाईस आगे लिखना है चार तेईस इसके आगे लिखेंगे चार पॉइंट चौबीस फिर लिखेंगे चार पॉइंट पच्चीस फिर लिखेंगे चार पॉइंट छब्बीस फिर लिखेंगे चार पॉइंट फिर आ जाएगा चार पॉइंट अट्ठाईस फिर आ जाएगा चार पॉइंट उनतीस और ये आ गया चार पॉइंट तीस चलिए हमारा क्या है चार पॉइंट छब्बीस कहाँ पर है ये है चार पॉइंट छब्बीस लेकिन चार पॉइंट छब्बीस ये संख्या खत्म नहीं है इसका मतलब आगे भी है तो चार पॉइंट छब्बीस के आगे की संख्या इसका मतलब वो चार पॉइंट छब्बीस और चार पॉइंट सताइस के बीच में होगी तो इन दोनों के बीच में आएगी इसको अब जूमिंग करेंगे तो इसको जूम करके चलिए यहां पर दिखाते हैं तो हम लेंगे चार पॉइंट छब्बीस और चार पॉइंट सताइस यहां पर तो लिखना है आपको चार पॉइंट छब्बीस इसके आगे एक जीरो लगाएंगे तो चार पॉइंट दो सौ साठ होगा यह कितना है चार पॉइंट दो सौ बासठ है और यहां पर हम लिखेंगे चार पॉइंट दो सौ सताईस है सॉरी सताईस है तो इसके आगे जीरो लगाएंगे दो सौ सत्तर अब इनके बीच की दस संख्या लिख देंगे तो यह कितना आएगा दो सौ साठ है तो दो सौ इकसठ आएगा चार पॉइंट दो सौ इकसठ यहां पर लिखना है चार पॉइंट दो सौ बासठ फिर लिखना है चार पॉइंट दो सौ तिरसठ फिर लिखना है चार पॉइंट दो सौ चौसठ फिर लिखना है चार पॉइंट दो सौ पैंसठ फिर आएगा चार पॉइंट दो सौ छियासठ फिर लिखना है चार पॉइंट दो सौ सड़सठ फिर चार पॉइंट दो सौ अड़सठ फिर आ जाएगा चार पॉइंट दो सौ उनहत्तर ये लिख दिया अब इसके बीच की संख्या देखनी ये कितना है चार अब चार पॉइंट दो पर यह खत्म नहीं हो आगे भी इसके एक अंक रह गया तो चार ये है लेकिन आगे एक अंक अंक रह गया इसका मतलब ये चार से बड़ी संख्या है तो ये आएगी इन दोनों के बीच में इसको हम जूम करके लिखेंगे चलिए यहाँ पर इसको एक बार फिर से हम इसको जूम करते हैं तो ये संख्या तो यहां पर लिखना है आपको चार पॉइंट दो सौ बासठ इसके आगे एक जीरो लगाएंगे तो चार पॉइंट छब्बीस बीस हो गया ये कितना है छब्बीस छब्बीस और यहां पर चार पॉइंट दो सौ तिरसठ है तो ये लिखेंगे चार पॉइंट दो सौ तिरसठ इसके एक जीरो लगा देंगे ये छब्बीस तीस है ये छब्बीस बीस है और ये छब्बीस छब्बीस है, है इनके बीच में आ जाएगा तो ये पहला अक्सर हो गया दूसरा यहां पर लिखना है चार पॉइंट छब्बीस बीस है तो छब्बीस इक्कीस फिर लिखेंगे चार पॉइंट छब्बीस बाईस फिर लिखना है आपको चार पॉइंट छब्बीस तेईस फिर आ जाएगा चार पॉइंट छब्बीस चौबीस फिर आ जाएगा चार पॉइंट छब्बीस पच्चीस फिर आ जाएगा चार पॉइंट छब्बीस छब्बीस फिर आ जाएगा चार पॉइंट छब्बीस सताइस फिर अट्ठाइस उनतीस तीस इस तरह से हो जाएगा ये कितना चार पॉइंट छब्बीस छब्बीस कहाँ पर आई यहाँ पर ये संख्या आ जाती है तो इस तरह से आपको जूम करके सभी का जो मान है वो इस तरह से आपको दिखाना है इस पे तो इसमें ये दो क्वेश्चन दिए गए थे तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन है वो बता दिए किस तरह से आपको जूमिंग करके इनको लिखना है तो दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको सरल तरीके से बताए हैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन है वो अच्छे लगे होंगे अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना इसके बाद में हम मिलते हैं एक्सरसाइज एक पॉइंट पांच में तब तक के लिए थैंक यू